हाय गाइस, वेलकम टू टेल स्टॉक न्यूज 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईवी स्टॉक्स के बारे में। आज की वीडियो में मैंने आपको 5 ईवी स्टॉक्स के बारे में बताया है जो आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और इन्होंने पिछले साल का अगर हम इनकी परफॉर्मेंस कंपेयर करें तो बहुत अच्छा खासा रिटर्न दिया है। उनके पास अच्छे खासे ऑर्डर और कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले जो स्टॉक है वो है HBL पावर सिस्टम लिमिटेड, जो दूसरा स्टॉक है वो है एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो तीसरा स्टॉक है वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, चौथा स्टॉक है टाटा मोटर्स लिमिटेड और पांचवा स्टॉक है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। अभी इन पांचों स्टॉक्स को देखेंगे, इनके फंडामेंटल्स देखेंगे, इनका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और देखेंगे आखिर क्यों आपको इन्हें अपने रडार पर रखना है। मैं ये वीडियो चालू करने से पहले ही बता दूं, मैं ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। मैं इस वीडियो में कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। अगर आपको इनमें से किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी खुद की रिसर्च करें या फिर आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे एक बार सलाह जरूर लें। पर हम बात करेंगे HBL पावर सिस्टम लिमिटेड की। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो हमारा ईवी सेक्टर है उसके अंदर 4 सेगमेंट है। एक आपके हो गए क्या नाम है ईवी, मतलब कि व्हीकल बनाने वाली कंपनी जो ईवी व्हीकल्स बनाएंगी, और दूसरा जो सेगमेंट हो गया इनकी बैटरी बनाने वाली कंपनी, तीसरा हो गया जो इन इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें बनाने वाली कंपनी, और चौथा हो गया आपका जो ये ईवी है यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इसे चार्ज करने की जरूरत पड़ेगी तो जगह जगह चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली कंपनी। तो जो ये पांचों स्टॉक्स हैं, पांचों स्टॉक मैंने 4 सेगमेंट्स के आधार पर लिए हैं। जो ये पहली जो मैं हम कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे HBL पावर सिस्टम लिमिटेड, ये बैटरी सेगमेंट से जुड़ी कंपनी है। समझ में आ गया आपको? तो सबसे पहले बात करेंगे, बैटरी सेगमेंट जुड़ी कंपनी है, सबसे पहले इसके हम देखेंगे चार्ट। पिछले एक साल में दिया है 386%, यानी निवेशकों का पैसा 4 गुना किया है। और पिछले 5 साल की बात करें तो पिछले 5 साल में निवेशकों का पैसा किया है 21 गुना। अब इसके एक बार रिजल्ट्स देख लेते हैं, कैसे रिजल्ट्स हैं। इसकी बैलेंस शीट में जाके मार्केट कैप है 13,859 करोड़ का। जो उस प्राइस पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 499, यानी 500 रुपये के करीब। हाई और जो लो लगाया था, हाई लगाया था 612 का पिछले, मतलब कि पिछले एक साल में, लो लगाया है 52 वीक लो 100 रुपये का। स्टॉक पी है 58.50 रुपये, बुक वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, अच्छी बात है। रिटर्न ऑन इक्विटी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 14%, एवरेज ठीक ठाक। कंपनी पर डेब्ट 107 करोड़ का, ज़्यादा नहीं है। और EPS 8.45 रुपये। अब कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, एक बार प्रॉफिट बना रही है नहीं बना रही। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कंपनी की लगातार सेल्स बढ़ रही है। अगर कंपनी की लगातार सेल्स बढ़ेंगी तो जाहिर सी बात है कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ेगा तो शेयर का प्राइस भागेगा ही भागेगा। एक बार इन्वेस्टर देख लें तो प्रमोटर्स होल्डिंग तकरीबन 59% से ऊपर 60% के खिलाफ है। जो FFIs हैं इन्होंने भी अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ाई है कंपनी में, और जो DIIs हैं इन्होंने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है कंपनी में। यानी ओवरऑल अच्छा स्टॉक है, इसे आप अपनी रडार पर रख सकते हो। जो दूसरी कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये भी बैटरी सेगमेंट से जुड़ी हुई कंपनी है। जैसा कि हमें पता है ईवी सेक्टर, एक तो हमें चाहिए जो ईवी प्रोड्यूस कर रही है यानी व्हीकल्स को बना रही है, वाहनों को बना रही है, दूसरा इनकी बैटरी बनाने वाली। जो ये दो कंपनी है इन्हें आपको रडार पर रखना है लॉन्ग टर्म के लिए। एक बार इसका देख लेते हैं इसने कितना रिटर्न दिया है, एक्साइड इंडस्ट्री शेयर प्राइस आज भी देखे तो आज भी कंपनी ने अच्छा खासा 1% के करीब तेजी आई है। पिछले एक महीने में कंपनी ने 11% का रिटर्न दिया है, और पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में लगभग पैसा 1.5 गुना किया है। आप इसे लंबे समय के लिए रडार पर जरूर रखें, एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड। एक बार इसकी भी बैलेंस शीट पर नजर मार ले रहे हैं कंपनी की फंडामेंटल्स कैसे हैं। मार्केट कैप तकरीबन 39,000 करोड़ का, करंट प्राइस 456 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, हाई 486 और लो 187, 52 वीक। और स्टॉक जो पी ही है वो 44 ठीक है, बुक वैल्यू हाई, डिविडेंड कंपनी पे करती है, अच्छी बात है। ROE कम है, डेप्ट 1,123 करोड़ का, EPS 10.30 रुपये। एक बार कंपनी की बैलेंस शीट पे जाएं, अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी लगातार जो सेल्स है, कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा है।
मार्च 2023, मार्च 2024, मार्च 2023 में 1138 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 1231 करोड़ का, और नेट प्रॉफिट है 823 और 883, यानी लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है। एक बार इन्वेस्टर्स देखें कंपनी के, तो प्रमोटर्स होल्डिंग 40% है, एफएफआईज ने भी इस कंपनी के अंदर अपना स्टेक बढ़ाया, और डीआईआईज ने भी इस कंपनी के अंदर अपना स्टेक पहले से थोड़ा पिछले साल से कंपेयर करते तो 1% के करीब तकरीबन घटाया है। ओवरऑल अच्छी कंपनी है, इसे भी आप अपनी रडार पर रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, आपको अच्छा रिटर्न देगी, जैसे कि हमने देखा पिछले एक साल में निवेशकों का पैसा 1.5 गुना किया है, और जैसे पहले वाली कंपनी थी इसने निवेशकों का पैसा तकरीबन 4 गुना किया है। और जो तीसरी कंपनी की बात करेंगे, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, इस कंपनी के क्या ही कहने, इस कंपनी को कौन नहीं जानता, महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर प्राइस, इस कंपनी ने भी पिछले एक साल का देखें तो पिछले एक साल में कंपनी ने तकरीबन 72% का रिटर्न दिया है। कंपनी के अच्छे फंडामेंटल्स हैं, बाकी मार्केट कैप कंपनी का 2.62 लाख करोड़ का है, प्राइस टू इक्विटी रेशो, प्राइस टू अर्निंग रेशो, कंपनी डिविडेंड भी अच्छा पे करती है, ओवरऑल अच्छी कंपनी है, से तो आपको लेना ही लेना है। टाटा मोटर्स की बात करें, टाटा मोटर्स के क्या ही कहने, टाटा मोटर्स को बताया नहीं, ईवी सेक्टर के अंदर बेहतरीन कंपनी, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी ईवी सेक्टर के अंदर बेहतरीन कंपनी। अब बात करते हैं टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी को मैंने ईवी सेक्टर के अंदर क्यों लिया, जो भी ईवी व्हीकल हैं चलेंगे तो वो चार्ज होकर ही, उसके लिए चार्जिंग स्टेशन, तो जो टाटा पावर कंपनी लिमिटेड है ये अब तक 1 लाख से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन इंडिया के अंदर इंस्टॉल कर चुकी है, और आने वाले टाइम में बहुत लंबा गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिला हुआ है चार्जिंग स्टेशन लगाने का, तो लगातार ये कंपनी आगे बढ़ रही है। बात करें टाटा पावर कंपनी लिमिटेड के शेयर प्राइस के बारे में, टाटा पावर कंपनी, टाटा पावर शेयर प्राइस फिलहाल जो ये स्टॉक है 412 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, पर पिछले एक साल में देखोगे पैसा दुगना किया है। जैसा कि हमें पता है बिक्स हाई है, मार्केट डाउन था आज पूरा की पूरा, पिछले 5 दिनों में देखें 5 दिनों में 8% का लॉस पिछले एक महीने में, 4% का लॉस पिछले 6 महीने में, 59% का मुनाफा पिछले एक साल में, तकरीबन पैसा दुगना। एक बार देखते हैं कंपनी लगातार गिर क्यों रही है, या स्टॉक के प्राइस लगातार गिर क्यों रहे हैं, एक बार नजर मार लेते हैं टाटा पावर कंपनी पे, हो सकता है कुछ रिजल्ट की वजह से, बाकी ओवरऑल कंपनी के अच्छा फंडामेंटल्स हैं, अच्छे रिजल्ट्स हैं, मार्केट कैप करंट प्राइस 412, प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी की सेल्स भी बड़ी हैं, जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। बात करें इन्वेस्टर प्रमोटर होल्डिंग 47%, ओवरऑल कंपनी के आप देख सकते हो अच्छे फंडामेंटल, कंपनी डिविडेंड भी पे करती है, अर्निंग पर शेयर 11.06 रुपये, कंपनी ने जो अपने लगातार रिजर्व भी बढ़ाए हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी तकरीबन 12% और आरओसी तकरीबन 11.5%। और कंपनी के एक बार ऑर्डर्स की बात करें, पहले एक बात बता दूं, जो इस कंपनी का प्लान है 2025 तक 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाने का है, तो इसे आप जरूर रडार पर रखें। ओवरऑल जैसे कि आपको पता है इलेक्शंस की वजह से वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा मार्केट में आई है, तो इस वजह से जो ये प्राइस हैं शेयर के, इस वजह से गिरे हैं, ओवरऑल कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसे आप अपनी रडार पर रखें। बाकी किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले एक बार अपनी रिसर्च जरूर करें। थैंक यू।